मामला कैसा, क्या मामला है? ऐसा हुआ साहब, रात के करीब 3:30 बजे हम लोग जगे तो आवाज आ रही थी, यहाँ गांव के बिल्कुल किनारे ही था इसलिए आवाज आ रही थी, तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए आए और हमने देखा कि मिट्टी खनन हो रहा है, तो हमने जेसीबी वाले को रोका। मैंने कहा भाई मिट्टी खनन क्यों कर रहे हो? तो जेसीबी वाला जो है हम लोगों में धक्का मार के और जेसीबी को लेके और भाग गया यहाँ से, और ट्रैक्टर वाले को गांव वालों ने हमने सबने मिलके पकड़ लिया। वो अभी तक यहाँ है। हमने सारे अधिकारियों को, जिलाधिकारी को, एसएसपी साहब को और सीओ, कोतवाल, एसडीएम, तहसीलदार सबको फोन किया है, किसी ने उठाया है, किसी ने नहीं उठाया, जिसने उठाया है उसने टाल दिया है, ऐसे ही अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। कितनी कितनी मिट्टी उसने खोद मारी होगी, कहाँ की खोद मारी है? नहर की पटरी भी काट लिया उसने और खेत भी काट लिया, करीब 8-10 फीट गहरा गड्ढा किया है। जेसीबी किसकी बताई जा रही है? जेसीबी बताते हैं करमवीर सिंह की है। ड्राइवर बता रहा है, ड्राइवर तो पूछो नहीं है, मौजूद है। क्या नाम है आपका? ये ड्राइवर है ट्रैक्टर का, इसको पूछो, करमवीर की बता रहा है ये। कैसे, किसके लिए काम करते हो खनन का? किसका ट्रैक्टर है? मेरा ही है। तो किसके साथ काम करते हो, खनन करते हो आप? नहीं सर, आज ही लाया था मैं, मतलब ये आज तो खनन हो रहा है। जेसीबी किसकी थी? करमवीर की। और तो ट्रैक्टर तुम्हारा कहाँ का है? ये थानागढ़ का है। थानागढ़, क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार। विनोद कुमार, तो ये कितने ट्रैक्टर मिट्टी उठ चुकी है यहाँ से? मुझे मालूम, मैं तो कब से उठा रहे मिट्टी, मैं तो आज ही आया। मतलब तुम्हारे साथ कितने ट्रैक्टर थे रात को? 3। 3 ट्रैक्टर थे। और जेसीबी और ट्रैक्टर कहाँ गए सारे? अरे भाग गए थे। सर ये कोई नहर पे कोई पटरी काटने का मामला है, मिट्टी का क्या है मामला? ये रात में इन लोगों ने सूचना दी थी हमें, तो ट्रैक्टर और जेसीबी यहाँ पर खनन कर रहे थे, पटरी को भी काटा है उन्होंने, और जब हम आए तो जेसीबी जब तक भाग चुकी थी, लेकिन ट्रैक्टर वाले को पकड़ लिया। इस संबंध में किसी अधिकारी को शिकायत वगैरह की है? हाँ, आप लोगों ने अपने अधिशासी अभियंता महोदय को सूचना दे दी, वो आने वाले। किसको, नहर की पट्टी को काटा है? किसको? नहर की पट्टी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कौन है? मैं सिंचपाल।